पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नशीन हामिद का कहना है कि कोरोना वैक्सीन मुस्तहक अफराद को मुफ्त फराहम की जाएगी। निजी सेक्टर को वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दे दी गई है। हुकूमत निजी सेक्टर से पहले वैक्सीन मुल्क में ले आएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1629 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता रोज 36607 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। मकबूजा कश्मीर में कल भारत का योम जमहूरिया योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। कल जमात हुर्रियत की कॉन्फ्रेंस में अपील पर मुकम्मल हड़ताल होगी। सियाह परचम लहराए जाएंगे। मीरवास का कहना है कि भारतीय अफवाज कश्मीरियों पर जबर दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा है। झूठे इल्जाम में शहरियों को हरासा करके गिरफ्तार किया जाता है। जेलों में कश्मीरी कैदियों की हालत इजहार अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासत और मुआशी सूरतेहाल पर गौर किया जाएगा। पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली से निपटने के लिए मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, इमरान खान ही 2023 तक वज़ीर-ए-आज़म है। पीडीएम देखेगी कि सेनेट इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। नून के पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। अरकान पार्लियामान से सेनेट इलेक्शन पर राय ली जाएगी। पीडीएम तहरीक पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में इन हाउस तब्दीली और तहरीक के अदम एतमाद के अमूर पर भी बात होगी। पीडीएम लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट से इस्तीफों पर भी राय ली जाएगी। K2 की सरमाई मुहिम का दूसरा मरहला अली सतपारा की टीम ने रात कैंप 3 पर गुजारी। टीम ने कैंप 3 पर तूफानी हवाओं का सामना किया। तेज हवाओं के बाद कोहे पीमा रोकना पड़ी। जराय का कहना है कि टीम से राबता कई घंटों से मुनकता है। कोहे पीमाओं के ट्रैकर्स भी बंद हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीम का नेशनल स्टेडियम कराची में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। पहले मैच में एक या दो खिलाड़ियों को पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट कैप मिलने का इम्कान।